हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं रफड़ी, जो स्थित है शुकाबाद फिरोजाबाद जिले में। तो आज हम रफड़ी के लिए निकल चुके हैं। तो ये देखिए, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं अपनी गाड़ी सही करा रहा था। ठीक, ये दोनों के दोनों रवि और दीपक मजे ले रहे हैं। दीपक पता नहीं कौन सा डांस कर रहा है, जिसके लिए सौरभ बोल रहा है कि दोबारा करके दिखा, तो उन्होंने दोबारा करके दिखाया, फिर दोनों उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसे ही चलते चलते हम पहुँच गए यमुना ब्रिज पर, जो जवाहर पुल है वहाँ पे लोग होली मना रहे थे। तो इन लोगों ने हमारे ऊपर भी रंग फेंक दिए चलती गाड़ी में, पर कोई नहीं, होली का त्यौहार है इससे मना किया जाता है। और हम ये शुकाबाद पहुँच चुके हैं। शुकाबाद पहुँचने के बाद ये फिर दोबारा से इस बेचारे को इन दोनों ने घेर लिया, हेलमेट वाले को। तो ये हेलमेट वाला इनसे उलझ रहा है। ये थाना नसीरपुर पड़ा है फिरोजाबाद जिले के अंदर, और आगे ही रफड़ी इको टूरिज्म सेंटर है जहाँ हम जा रहे हैं। ये यमुना के किनारे है। ये लोग, रवि इनकी बाइक चला रहा है, ये दीपक इसके साथ बैठा है, और हम ये पहुँच गए रफड़ी इको टूरिज्म जहाँ हम निकल चुके हैं रफड़ी के लिए। ये एक भीड़ में होकर रास्ता जा रही है। ये भीड़ बड़ा खतरनाक है, इस भीड़ में काफ़ी धूल है। आप लोग जाए तो मास्क वास्क लगा के जाना, वरना काफ़ी धूल का सामना करना पड़ता है इस भीड़ में। 1 किलोमीटर अंदर ही रफड़ी इको टूरिज्म है, और ये हम आगे के लिए जंगल में जाते हुए रफड़ी की ओर। मुझे लोग भी आ रहे हैं रफड़ी की ओर से, और ये देखिए धूल का गुब्बारा निकला हुआ है यहाँ बहुत, और ये ढलान है बहुत नीचे की तरफ जाके। ये रफड़ी का पार्किंग स्थल है जो शायद फ्री था उस दिन, और ये रफड़ी इको टूरिज्म सेंटर जो अभी अभी यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया था कुछ टाइम पहले। तो अब हम आपको अंदर जाके बताते हैं रफड़ी कैसा है। और रफड़ी के अंदर हम जाते हुए ये सामने रफड़ी का मेन गेट है, और ये रफड़ी के अंदर का मैप है, कौन कौन सी जगह कैसे जाया जाता है उसके बारे में दर्शाया गया है, और कौन कौन सी चीज़ ले जानी है कौन सी नहीं उसके बारे में भी। ये रफड़ी का टिकट स्थल है ये बगल में, और हम जा रहे हैं रफड़ी के अंदर की तरफ मार्ग से। दीपक भाई सबसे आगे, रवि भाई रुक गए रास्ते में। दीपक भाई दोबारा डांस दिखाएंगे शायद, ऐसा लग रहा है। हाँ, स्टार्ट हो गए, रवि भाई भी स्टार्ट हो गए साथ में इनके। तो अब हम रफड़ी के अंदर जाते हुए, तो ये देखिए सामने यमुना नदी दिख गई है रफड़ी इको टूरिज्म में, और यमुना नदी के किनारे ही रफड़ी बसाया गया है ये। तो यहाँ कुर्सियाँ भी पड़ी हैं बैठने के लिए लोगों के लिए, और ये यमुना नदी में एक स्टीमर भी दिखाई दे रहा है चलने के लिए, काफी लोग आए हुए हैं। और ये भारतनाट्यम में रवि भाई भी पहुंच गए इनके साथ। ये देखिए रफड़ी के अंदर का रास्ता, ये लोग घूम रहे हैं रफड़ी में, और ये भारतनाट्यम चल रहा है रवि भाई का, दीपक भाई का। और हम चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं। और तो ये रफड़ी में छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं किराए, और ये कॉटेज किराए पे मिलते हैं रफड़ी के अंदर। जो कैंटीन है रफड़ी की, यहाँ कुछ खाने पीने का सामान मिलता है, जैसे समोसे वगैरह आप जो भी चाहे वो खा सकते हैं अंदर। और ये मैं वॉच टावर पे चढ़ रहा हूँ, ऊपर जाके आपको यमुना नदी का व्यू दिखाऊंगा कैसा लगता है वॉच टावर से यमुना नदी का व्यू। तो ये देखिए सामने यमुना नदी है, और ये लोग कुछ नहा रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए कितना प्यारा व्यू। ये भैया देखो यमुना नदी में कूद गए नहाने के लिए, और ये आराम से आप लोग भी देख रहे हैं नदी के किनारे घूम रहे हैं, और ये भैया नहा रहे हैं यमुना नदी में, देखो बाहर निकल के आ रहे हैं तैर के। ये देखिए खुशी के मारे तितला बन गए, और वो तितले की तरह उड़ भी रहे हैं। और मैं इन लोगों को दिखा रहा हूँ, ये यमुना नदी में जाने के लिए जूते उतार रहे हैं। ये सौरभ ऑलरेडी यमुना नदी में खड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं अपना भी ले लूँ। बाल बाल तो सही होने, हवा चल रही है, इतने बुरे हो रहे हैं बाल, अजीब सा लग रहा हूँ मैं तो खुद। दीपक ने रवि भाई के जूते फेंक दिए थे, तो दीपक भाई यमुना नदी में उनके जूते लेने गए। दीपक भाई देखो निकाल रहे हैं साइड में इनके जूते रवि भाई के, और ये निकाल के ले आए, मिशन कंप्लीट हो गया है इनका।
चलो तो ठीक है इनको बाद में दिखाते हैं। रवि भाई खुश हो गए जूते निकलते ही, क्या हंसी आ रही है, और ऊपर से सौरभ भाई भी खुश हो रहे हैं। और ये टाइटेनिक वाला पोज देते हुए खुशी के मारे रवि भाई। अगर आप लोग भी रपड़ी आना चाहते हैं तो आपको पहले सब सुखाबाद आना होगा आगरा की ओर से, और उससे 20 किलोमीटर अंदर वटेश्वर रोड पे चलना होगा, वहीं आपको रपड़ी इको टूरिज्म मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।